लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने चार शूटर्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये लोग कृष्णानंद राय हत्याकांड की तर्ज पर यूपी के एक और विधायक की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। जानकारी मिल रही है कि ये लोग हमीरपुर से सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल की हत्या की साजिश रच रहे थे। जानकारी ये भी मिली है कि हमीरपुर जेल में बंद विकास सिंह गौड़ बीजेपी विधायक की हत्या करने वाला था। इनका प्लान ये था कि विकास गौड़ पेशी के दौरान फरार हो जाएगा और वारदात को अंजाम दे देगा। विधायक की हत्या के लिए कार्बन पिस्टल समेत कई अत्याधुनिक हथियारों को इकट्ठा भी कर लिया गया था। जो चार शूटर पकड़े गए हैं उनमें चंदन सोनकर भी है। चंदन सोनकर वाराणसी में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है। बताया जा रहा है कि ये लोग प्रतापगढ़ के डब्बू सिंह के साथ साथ वाराणसी के चंदन यादव और अनिल पट्टी की भी हत्या करवाना चाहते थे, लेकिन ये शूटर नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही यूपीएसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी भी तीन शूटर फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो जेल से ही रची गई थी हत्या की साजिश, लेकिन अभी भी तीन शूटर फरार बताए जा रहे हैं जबकि चार को गिरफ्तार कर लिया गया है।